टीटी काउंसलिंग से जुड़े समस्त साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानधर आरसोली में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि सत्र 2019-20 में राजस्थान में पीटीटी के कितने कॉलेज हैं जो काउंसलिंग में शामिल होंगे, साथ ही कितनी सीटों पर काउंसलिंग की प्रक्रिया आयोजित कराई जाएगी। साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि 4 वर्षीय कोर्स में बीए और बीएससी कैटेगरी वाइज कितने कितने छात्र अपीयर हुए हैं, साथ ही 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए कितने छात्रों ने परीक्षा दी है। तो साथियों, इसी के साथ हम चर्चा इस विषय पर भी करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि पीटीटी में रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी महाविद्यालय जो चयन की तिथि है उसको आगे बढ़ाया ही जा रहा है। और इसी के साथ में जो EWS, MBC सहित कैटेगरी वाइज जो आरक्षण की स्थिति है उसको भी काउंसलिंग प्रक्रिया में किस प्रकार शामिल किया जाएगा, तो इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। यदि आप इनसे संबंधित संपूर्ण जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिए अंत तक। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों, अभी तो पीटीईटी काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ ही हुई है। वर्ष पर्यंत सत्र भर चलने वाली तमाम बड़ी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, ये राजस्थान के बेरोजगार परीक्षार्थियों से जुड़ा हुआ चैनल है जिसमें आपको रोजगार से संबंधित और इसी के साथ में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए पाठ्य सामग्री भी समय समय पर उपलब्ध कराई जाती है। अब हम चलते हैं साथियों आज की मेन टॉपिक की तरफ। साथियों, पीटीटी में कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो अब के बार 2019 के अंतर्गत जो 12 मई को होने वाली परीक्षा थी उसके में आपको बता दें कुल 352,360 परीक्षार्थी तो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए और कुल 198,085 परीक्षार्थी 4 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत थे। कुल मिलाकर बात करें तो 550,445 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। अब इनमें से यदि हम देखें कैटेगरी वाइज कितने परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे तो आंकड़ा जो निकल कर सामने आता है वह यह है। साथियों, आपको बता दें 4 वर्षीय जो बीए बीएड का आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें कुल 109,510 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की बात करें बीएससी बीएड में तो ये 71,116 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। यदि कला वर्ग की बात करें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की तो इसमें 229,272 परीक्षार्थी शामिल थे। साइंस कैटेगरी में 90,463 और कॉमर्स कैटेगरी में 9,666 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। साथ ही आप अब के वर्ष जो टॉपर आए उनको भी इस लिस्ट में देख सकते हैं। तो साथियों, कुल मिलाकर ये लगभग 5.25 लाख परीक्षार्थी थे जो परीक्षा में शामिल हुए। अब हम चर्चा करते हैं इस सत्र के कॉलेज और सीटों की। साथियों, आपको बता दें सत्र 2019-20 में लगभग आपके जो कंपटीशन है वो 1/6 है, अर्थात लगभग 6 परीक्षार्थियों पर एक सीट का अलॉटमेंट होना है। बीएसटीसी में जहां ये आंकड़ा 1/36 है वहीं पीटीटी में ये आंकड़ा घटकर के लगभग 1/6 पर ही आ पहुंचा है। साथियों, आपको बता दें पीटीटी 4 वर्षीय और बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में आपके बार कुल 903, अच्छी तरह देख सकते हैं, 903 बीएड कॉलेजों में विद्यार्थियों को वरीयता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ स्पष्ट कर दें ये 903 कॉलेज अभी बिल्कुल फिक्स नहीं है, ये लास्ट तक तृतीय काउंसलिंग तक चलते चलते इनकी संख्या बढ़ जाएगी और लगभग जो काउंसलिंग अब 93,000 सीटों पर होने वाली है यह तृतीय काउंसलिंग तक चलते चलते लगभग 97,000-98,000 सीटों पर पहुंच जाती है। तो साथियों, आपको स्पष्ट कर दें कि पीटीटी में जो कट ऑफ रहती है वो इसलिए डाउन जाती है कि इसमें सीटें अधिक हैं और बीएसटीसी के वनस्पत परीक्षार्थी कम हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं देरी का बड़ा कारण। काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद भी पीटीटी के द्वारा अभी तक महाविद्यालय चूज करने का ऑप्शन जारी नहीं किया गया है। इसका बड़ा कारण ये है कि राजस्थान के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे जुड़े हुए कॉलेज हैं जिनके अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम अभी जारी नहीं हो सका है। यही बड़ा कारण है जिसके लिए बार बार
महाविद्यालय चयन का जो ऑप्शन है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि लगभग नेक्स्ट वीक तक, जो ये वीक चल रहा है, इस वीक के अंत तक लगभग मंडे से और सैटरडे तक लगभग यूनिवर्सिटीज़ के जो अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। और अभी के मुताबिक जो 13 जुलाई से ऑप्शन चयन की तिथि निर्धारित की है वो माना जा रहा है कि लगभग इसके बाद में महाविद्यालय चयन की तिथि निर्धारित कर दी जाए और आगे इसको बढ़ाने की संभावना भी अब कम ही नज़र आ रही है। अब आपको बता दें साथियों, राजस्थान में कुल कितने बीएड कॉलेज काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, इन कॉलेजों की जो सूची है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। साथियों, जब आप काउंसलिंग कराने ई मित्र पर जाएंगे तो यहाँ आपको कोडिंग मिलेगी। उस कोडिंग में आपको अच्छी तरह से समझ लेना है कि W और C, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। पुरुष अभ्यर्थियों को W को चूज नहीं करना है और महिला अभ्यर्थियों को W को चूज करना है। W अर्थ विमेन, C अर्थ को एजुकेशन। पुरुष अभ्यर्थियों को सी कोडिंग कॉलेज वाले ही चुनने हैं। तो साथियों, इस लिस्ट में आप भली भांति चेक कर सकेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में नियरेस्ट कॉलेज कौन सा है, कौन सी गवर्नमेंट कॉलेज है और कौन सा कॉलेज आपके सर्वाधिक नज़दीक और ऑन रूट पर होगा। लगभग 777 कॉलेजों की ये लिस्ट है, क्योंकि अभी चूंकि कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है तो ये संख्या और भी बढ़ेगी। फिलहाल जो 777 कॉलेज उपलब्ध हो सकें उनकी सूची हमने उपलब्ध करा दी है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा कर के और इसे डाउनलोड कर सकेंगे। साथियों, वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी PTT से रिलेटेड आपकी क्या क्वेरी है, क्या समस्या है, हम उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है कमेंट की अधिकता के कारण आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई ना हो, लेकिन मैं आपकी प्रत्येक कमेंट को रीड जरूर करता हूँ और उसके अकॉर्डिंग वीडियो भी अवश्य ही बनाता हूँ। साथियों, यदि आप चैनल पर पहले बार आ रहे हैं तो वर्ष भर PTT से जुड़ी अपडेट्स जानने के लिए और PTT पाठ्यक्रम को की तैयारी किस प्रकार करें, PTT BEd पाठ्यक्रम संपूर्ण हो जाने के बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप किस प्रकार से आएँ, तैयारी की रणनीति क्या बनाएं, इन सब को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी गाइडलाइन से रिलेटेड आपके मार्गदर्शन से संबंधित वीडियोज बनाते ही रहते हैं और प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए इसलिए आप बेल आइकन बटन को भी जरूर दबा लिए, जिससे नोटिफिकेशन वीडियो का तुरंत आप तक पहुँच जाए। आज की इस वीडियो में बस साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा हर्षोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले।